हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निवनी रखते 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम एक खास वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। खास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हम पिछले एक साल से झेल रहे हैं और इसकी वजह से झेल रहे हैं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश तो तिब्बत है। तिब्बत का जो पड़ोसी देश है चाइना, उसकी वजह से पूरी दुनिया जिसे झेल रही है वुहान वायरस या चाइनीज वायरस या फिर कोरोना वायरस, जो कि असली नाम नहीं है, असली नाम तो वुहान वायरस ही है। तो उस पर गाना है और मैंने वैसे एक गाना सुना हुआ है, वो तो हिंदी में था, बी प्राक सिंगर का था, शायद आपने उनके कोई गाने सुने हो। तो ये गाना जो है सुनीप लमतौर का है और उन्होंने भी जो डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस पैंडमिक के दौरान और जो पुलिस वालों का है या फिर जो भी जो मतलब जो क्या क्या कहते हैं वो फ्रंट पे जो इस पैंडमिक से लड़ रहे हैं, तो ये गाना उनको डेडिकेट किया हुआ है। वैसे भी आप सब जानते हैं अभी कुछ महीनों पहले मार्च अप्रैल के दौरान जब ये एकदम पीक पे था, बड़े केसेस आ रहे थे, रोज़ न्यूज़ में यही मतलब कोविड की बातें ही सिर्फ होती थी कि इतनी केसेस बढ़े, इतना फैला, ठीक है, ये रेड जोन बन गया, ये वो बन गया, सब बहुत बुरा मतलब डिप्रेसिंग था और बहुत नेगेटिविटी थी तब। और तब हम ये भी देख रहे थे कि डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बारह बारह मतलब 18 घंटे, कुछ डॉक्टर तो महीनों से जो है वो मतलब अपने घर नहीं गए और वो इतना ज़्यादा मतलब वो लोग केयर कर रहे थे बिना अपनी जान की फिक्र किए, क्योंकि मतलब उनको भी तो पता ही था ना कि ये अगर डिसीज़ उनको हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी दिन रात जो है मतलब लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे थे, तो इन सब का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, मतलब आज हम जितने भी लोग सेफ हैं और जितने भी लोग इस कोविड से बचे हुए हैं वो इन लोगों की वजह से ही है। ठीक है, वरना अगर ये ज़रा सोचिए कि अगर ये लोग ना होते, डॉक्टर्स और पुलिस वाले, तो क्या होता। तो ये इस पैंडमिक में तो इतनी तबाही मचा दी होती जितनी अभी मचा रहा है, उससे कई गुना तो भाई मचा चुका होता, बहुत लोगों की जान जा चुकी होती अगर डॉक्टर्स और पुलिस वाले जो है अपने हाथ खड़े कर लेते कि नहीं हम काम नहीं करेंगे भाई, हमारी जान को भी खतरा है इससे, पर फिर भी उन्होंने किया और आप उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये सॉन्ग जो है उन्हीं पे है। तो चलिए आज हम फिर से डॉक्टर्स और पुलिस वाले को इस सॉन्ग के थ्रू, ठीक है, याद करते हैं और उनको ट्रिब्यूट देते हैं और उनके जो भी काम थे उनकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, करते हैं शुरू वीडियो। 1 2 3 सुनीप लमतौर, वॉरियर्स ऑफ सेंट। कोविड-19 एक्सेलरेटेड, यूरोप इज नाउ द सेंटर। नहीं हो यार, बंदा बहुत टैलेंटेड है यार। स्लीप माय चाइल्ड, इट्स ओके, क्लोज योर आईज, यू नीड अ रेस्ट। You found the peace and wanderers. Go in peace, we'll follow your lead. Oh, tell the sun you're coming home. She will keep you by her side. Warriors of sand returns to dust. You're the light into the night.
receive the crown. Marks पड़ गए हैं. As you walk down the aisle of gold, kings and queens will cheer for you. Oh, tell the sun you're coming home. She will keep you by her side. Warriors of sand returns to dust. You're the light into the night. Whoa, 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 whoa. Oh, tell the sun you're coming home. She will keep you by her side. Warriors of sand returns to dust. You're the light into the night. Warriors of sand returns to dust. You're the light into the night. We salute all the unsung heroes of coordinating. बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और इसमें जो बीच में दिखाए हुए हैं सही में यार वो तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया. मतलब इसमें जो एक बीच में एक फ्रेम में आया था कि एक डॉक्टर है वो अपने छोटे से बच्चे से बात कर रही है आई थिंक 1.5 साल का वीडियो कॉल पे. मतलब उसका बच्चा भी इतना छोटा है और वो हॉस्पिटल में दिन रात काम कर रही है और प्लस काम करने के बाद भी वो जा नहीं सकती है उस अपने बच्चे के पास क्योंकि उसे खतरा है. और ज़रा सोचिए मतलब बहुत सारी काफ़ी बार सुना है कि जो छोटे कॉफिन्स होते हैं छोटे ताबूत उन्हें उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो सबसे ज़्यादा भारी होते हैं. ज़रा सोचिए कि कितने लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है अलविदा कहा होगा. ठीक है और बच्चे क्या इसमें तो मतलब बहुत से बूढ़े इंसान तो मतलब जर्मनी में या फिर दिल्ली में भी कुछ केस हुए हैं जहाँ पर लोग अपने घरों में भी जो है मर गए हैं क्योंकि शुरू शुरू में टेस्टिंग उतनी ज़्यादा थी नहीं तो बहुत लोगों का टेस्ट हुआ नहीं और वो बीमार थे उनका इलाज नहीं हुआ और वो घर पर ही उनकी डेथ हो गई थी. तो इस पेंडेमिक ने ना सब कुछ ऐसे तबाह कर दिया है. सिर्फ जान मतलब लोगों की लाइफ जो है सिर्फ उनका नुकसान नहीं हुआ है बहुत लोगों का जो बिजनेस था बहुत लोगों के सपने थे सब डिस्ट्रॉय हो गया है किसकी वजह से COVID-19 की वजह से. नहीं COVID-19 तो उसे कहना ही चाहिए. मुझे पता अभी एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ता रहता हूँ तो चाइना को अकाउंटेबल ठहराने की बहुत ज़रूरत है. मतलब उससे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और वो लेने को तैयार नहीं. अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है फॉरेन मिनिस्ट्री उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि मतलब उन्होंने सीधा कह दिया कि जो वुहान वायरस है वो चाइना से फैला ही नहीं है वो पहले से ही पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था पर चाइना ने सबसे पहले डिटेक्ट किया कि ऐसा कोई वायरस है. ठीक है मतलब उन्होंने पूरा सीरीज से नकार दिया कि नहीं नहीं हमने नहीं फैलाया है. और
जबकि वहाँ के जो वुहान में जो गवर्नमेंट लेबोरेटरी है जहाँ से ऐसी थ्योरीज आती हैं कि वहीं से ये वायरस जो है लीक हुआ है, और बहुत सारे जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब वो खुद भी कह रहे हैं कि हाँ वहीं से लीक हुआ है, चाइना ने ही लीक किया है, और फिर भी चाइना मानने को तैयार नहीं है, अकाउंटेबल थे को तो, मतलब अपने आप को, मतलब वो जो होती है ना जवाबदेही, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही चाहता। अगर चलो मान लेते हैं कि चाइना ने इस वायरस को नहीं बनाया, ठीक है, पर फिर भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा, वर्ल्ड में पहली बार सबसे पहले चाइना को मालूम पड़ गया था, और चाइना को अक्टूबर अगस्त 2019 में ही मालूम पड़ गया था कि ऐसा कोई वायरस है, और उसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी काफ़ी हाई है, वो कर सकता है सब, फिर भी उसने वर्ल्ड को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कुछ नहीं बताया दुनिया को कि ऐसा कोई वायरस है, और आप अपना जो मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल है, जो चाइना के लोग जो बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर के लोग जो चाइना में आ रहे हैं, उसे बंद कर दो। अगर चाइना ऐसा स्टेप लेता तो ये वायरस नहीं फैलता, फैलता भी तो इतने लार्ज स्केल पे नहीं फैलता जितना कि अभी है, पर हमें ठहराना तो होगा, क्योंकि अगर चाइना को इस बार ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो एक बहुत ही ज़्यादा गलत एग्ज़ाम्पल सेट होगा, ठीक है, आगे जाके कोई और देश ऐसी लापरवाही करे और उसके थ्रू कोई इससे भी खतरनाक कोई वायरस जो है ये वो पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है, तो वो भी ऐसे साफ जो है बच जाएगा, ठीक है, मतलब वो चाइना के फिर एग्जाम्पल देगा कि नहीं देखो आप वर्ल्ड ने, मतलब कि चाइना का भी कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा तो होता ही है ना कि अगर कोई एक गलती करता है और वो बच जाता है, तो दूसरे लोग भी हैं वो थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि देखो उसको भी कुछ नहीं हुआ था तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए चाइना को इसकी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, और वो नहीं ले रहा है तो पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको चाइना को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर करना पड़ेगा। अगर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम आम लोग कर सकते हैं, हम आम लोग, अब आप कहेंगे कि हम आप लोग, हम आम लोग जो है लेमैन हैं, वो क्या कर सकता है, सबसे पहले चाइनीज़ वायरस बोलना शुरू कर दो, COVID-19 कोरोना वायरस मत बोलो, ठीक है, चाइनीज़ वायरस बोलो, वुहान वायरस बोलो, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर आप वुहान वायरस बोलोगे, चाइनीज़ वायरस बोलोगे, तो सभी लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, सबकॉन्शियस मतलब उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही रहेगा कि नहीं वुहान वायरस था नाम, चाइनीज़ वायरस नाम था, ठीक है, तो और फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हर जगह पे जब भी इस पेंडेमिक की बात होगी तो लोग ऑटोमेटिकली बोलेंगे वुहान वायरस या चाइनीज़ वायरस, ठीक है, ऑटोमेटिकली चाइना पे प्रेशर आ जाएगा कि नहीं इस पर बात हो रही है। अब हम लोगों ने क्या किया, COVID-19 बोलना शुरू कर दिया, COVID-19 से कहीं से भी कोई लिंक या कुछ नहीं मालूम पड़ता कि वायरस कहाँ से आया हुआ है। बाकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ, कोई भी ऐसा बड़ा पेंडेमिक आता है या फिर कोई भी ऐसा वायरस जो फैलता है एक से ज़्यादा देशों में, तो उस वायरस का नाम जो है वो जहाँ से फैला, जहाँ से उसका ओरिजिन था, उस पर रखा जाता है। और आप जानते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने बड़े ही मतलब उसने बिल्कुल ही बेकार काम किया इस बार, ठीक है, चाइना ने WHO का जो चीफ है उसको पैसे खिला के इसका नाम चाइनीज़ वायरस या वुहान वायरस से ना रख के COVID-19 या कोरोना वायरस रखवा दिया, ताकि हिस्ट्री में ये हमसे जो अगली जनरेशन है उनको मालूम ही ना पड़े। ऐसे भी चाइना अपने सारी जो है हिस्ट्री वगैरह जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, ये अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स में चाइनीज़ वायरस से वुहान वायरस का नाम हटा के COVID-19 ही रख रहा है, ऐसी एक रिपोर्ट थी जो चाइना के लोगों ने ही लीक करी थी। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, आप लोग भी शायद नहीं देखेंगे, पर मैं इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि COVID-19 बोलना बंद कर दीजिए, इसे वुहान वायरस है, चाइनीज़ वायरस बोलिए, ठीक है।
इसका फायदा होगा आपको ही, और चाइना को हमें अकाउंटेबल ठहराना होगा। चलिए खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं कल को 7 बजे। बाय बाय।